बताइए, जब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। अब कुछ ही वक्त में, कुछ ही घंटों में हम जो है नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। बार फिर से आप सभी का जो है वेब समाचार की तरफ से हार्दिक नव वर्ष की शुभकामना। यहाँ पर दिखा दें कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका ये साल कैसा रहा और आने वाला जो साल है उसमें वो क्या कुछ प्रॉमिस करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप नए साल में प्रवेश करते हैं तो आप पोस्टर बकायदा चिपका देते हैं कि हमको ये करना है या ये गलतियां रही, अब ये गलतियां नहीं करनी है, बाकी क्या इनका घूमने का प्लान है, किस तरीके से ये लोग इन्जॉय करेंगे। तो आइए एक करके बात करते हैं। अपना नाम बताओ भाई। और निशिया क्या करते हैं पटना में? तैयारी करते हैं, एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अवतार कॉलेज में। ये बताइए कि नया साल को आप लोग कैसे एंजॉय करने वाले हैं? कुछ प्लान रखा है दोस्तों के साथ कि इस तरीके से एंजॉय करना है? नया साल में तो कुछ खास प्लान नहीं है, बस न्यू रेजोल्यूशन कुछ बनाए हुए हैं कि एयरफोर्स इस बार तोड़ना है, क्रैक करना है। जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो वो करने के बाद ही कुछ, मतलब ऐसा उतना कुछ खास नहीं है इस साल, बस लेकिन कुछ है कि भाई पार्टी करना है, पिकनिक करना है, थोड़ा मोड़ा पार्टी पिकनिक होगा, नया साल एंजॉय करेंगे और कुछ खास नहीं बस। अच्छा, ये साल आप लोगों का कैसा रहा 2020? इस साल तो मतलब पूरा डिस्ट्रैक्शन पूरा भरा पड़ा था। देखे इस साल कोरोना वगैरह था तो सब कोई इधर, ऐसे ही साल उतना अच्छा नहीं गया। मार्च से अभी तक तो पूरा हम लोग 12th पास करके अब जस्ट अभी आए हैं पटना में, तो इस साल उतना कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन इरादे के साथ आए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, याद होगा एकदम। इस बार बिल्कुल फोड़ के ही जाना है यहाँ से एकदम। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आप भी पटना में क्या करते हैं? यहाँ आपका होम टाउन है या फिर तैयारी करने के लिए आए हैं? हम तैयारी करने के लिए आए हैं एयरफोर्स में उड़ने की का। अच्छा, जो आप देख रहे हैं कि ये जो साल है पिछले वाला बहुत ही एकदम भयानक था, बुरा रहा बहुत सब। क्या अपेक्षा करते हैं कि 2021 जो है वो नई खुशियां लेकर आएगा? हमको तो यही उम्मीद है कि 2021 हम सबके लिए, सब लोग तो यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि 2021 जो है बहुत ही अच्छा साल आने वाला है। लेकिन देखिए वैक्सीन भी आ गया है। हाँ, वैक्सीन भी आ गया है, देखिए अब इसका आ गया है, हो पा रहा है, मतलब आने वाला है, आ चुका है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, नया स्टेटमेंट बात नहीं है, आने वाले मतलब आने वाला है, आ चुका है, उसका ट्रायल अंतिम दौर में है, 6 महीने पहले से आने वाला है। चलिए ठीक है, और हम कुछ और बात करते हैं, क्या है, किस तरीके से आप इस साल को मनाने जा रहे हैं? आज तो 21 दिसंबर है तो कुछ खास युवाओं का प्लान होता है, आज रात के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? आज रात को यही है कि हम लोग अपना जो टाइम है उस पर ट्रेवल करके बिताना चाहते हैं, घूम कर। अच्छा, घूम करके कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? गांधी मैदान तो आगे घूम रहे हैं, गांधी मैदान है, फिर जाएंगे नाइटी घाट और फिर गोलघर पटना जी जाएंगे, यही सब घूम के टाइम को स्पेंड करेंगे। और फिर आज के बाद जो है ये 31st को बिताने के बाद 1 तारीख से एकदम फोकस करना है स्टडी पर और एकदम एयरफोर्स को क्रैक कर देना है, क्रैक कर देना है। चलिए कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। आप लोग सब एक ही ग्रुप के हैं, साथ ही लोग हैं, सभी एक ही ग्रुप? अच्छा, और एक ही क्लास के हैं या फिर सीनियर जूनियर भी? सभी एक ही बैच के हैं और एक ही साथ तैयारी, एक ही साथ तैयारी करते हैं। इसी बार क्या, इसी साथ पटना है आप लोग? हाँ, इसी साथ नहीं, 2019 में है, 2019 में कोरोना के कारण कुछ क्षति हुआ, लेकिन एक और बात हम करना चाहते हैं कि जो पर है 2020 बुरा रहा है, पूरी तरह बुरा नहीं रहा है, 2020 ने हमें कुछ सिखाया है कि अपनों के साथ टाइम स्पेंड, बहुत बड़ी बात। तो 2020 सब भूल के ही समझिए, 2021 में अपने एम की तरफ एकदम ईमानदारी से बढ़ना है और एज एनी हाउ फोड़ के रख देना है एयरफोर्स में, फोड़ रख देना है, मानना पड़ेगा पूरा ग्रुप जो एनर्जेटिक है। और नया साल में हर कोई एनर्जेटिक होता है, हर कोई होता है जब वो बकायदा लिस्ट में लिख देता है मुझे ये करना है, अलग बात है कि वो रूटीन कितने दिन तक चल पाता है, शुरुआती दौर में एनर्जी लेवल जो बहुत हाई रहता है। ये तो रही चलिए पढ़ाई लिखाई वाली बात, ये बताइए मस्ती के लिए क्या क्या प्लान आप लोगों ने? मस्ती के लिए अब आदमी 12 बजे से घर से निकल चुका है, गांधी मैदान फर्स्ट आया है, एलआईटी घाट जाएंगे, गोलघर जाएंगे, जू जाना है, हर जगह आज पटना पूरा घूमना है। अच्छा, कल के लिए, कल तो फर्स्ट जनवरी, कल के लिए जाना कुछ? कल के लिए घर, कल 1st जनवरी अपने फैमिली के साथ। फैमिली के साथ? तो फैमिली पटना में नहीं रहती? पटना में ही रहती है। अच्छा अच्छा, दोस्तों के साथ भी शाम तक रहेंगे, ऐसे दिन भर फैमिली के साथ ही रहेंगे क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ ही ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं, भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंकुर सिंह है। अच्छा, तो आपका क्या प्लान है? चलिए पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करते हैं, ये मस्ती की बात करते हैं, मस्ती के लिए क्या कर रहे हैं आज आप? एक्चुअली मस्ती के लिए कोई खास नहीं है, मतलब मैं बताऊं जब 2020 कुछ खास वजह से बहुत अच्छा गया है, सबका मैंने सबका खराब गया लेकिन मेरा कुछ अच्छा भी गया है। 2021 के लिए प्लान है कि अपना करियर पर फोकस करना है और 2021 का करके दिखाना है। और अच्छा ठीक है, तो मतलब और कोई रात वक्त के लिए कुछ पार्टी वार्टी का प्लान नहीं? नहीं, बस आज घूमने का प्लान है, कल से कोई प्लान नहीं है। कल से काम पे लग जाना है? कल से काम पे लग जाना है, बस आज तक घूमने का प्लान है।
आज में घूमेगा अपना। स्टार्ट। आप इन्हीं लोगों के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आज जो है पूरा पटना घूमने का प्लान है, गाने में गाना आईटी घाट। तो अभी स्टार्ट आपने गाने मैदान से किया है जी जी। आगे का प्लान फिर कहाँ का है बताइए? आगे का प्लान मेरे को आईटी घाट जाना है, उसके बाद भूमगर वगैरह, मतलब फेमस जगह पटना के आज घूमना। और कल? कल तो हम लोग सोच रहे हैं रूटीन बनाए अपना और 30 के लिए फोकस करें, 3 साल एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करना है, किसी हाल में उसको क्रैक करना है। ठीक है, तो ये लोग जो है एक खास ग्रुप के हैं, दोस्तों के साथ आए हैं और आज 31 दिसंबर है तो बकायदा ये हर जगह घूम रहे हैं और पटना के नामी जगहों पे घूमने वाले हैं और कल से कह रहे हैं ये हम स्टडी पर लग जाएंगे। तो इनका कहना है एक साथ आप लोग सब आ जाइए, इसको ऐड कर देते हैं। आप लोग एक बार बोलिएगा ना, जब तक तोड़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करोगे। तो यहाँ जितने भाई लोग हैं काफी एनर्जेटिक थे और बार बार कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम ये डायलॉग जो है इनके मुंह से सुनना चाहते हैं, बताइए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आप लोगों को सब लोगों को शुभकामना चाहिए, नया साल है आप लोगों को, साथ जो है लगे अपने काम पे और करियर में फतह करें, ये हमारी शुभकामना है। शुभकामना आपको भी।